क्रिकेट विश्वकप भारतीय दल घोषणा बीसीसीआईर मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर विश्वकप 15 जणिया दल घोषणा करछन्ति। अक्टोबर 5 तारीख रे हेबाकु जाउछि विश्वकप आउ विश्वकप रोहित शर्मा को नेतृत्व में भारतीय दल खेलिबो। टीम रे रोहित शर्मा अधिनायक हार्दिक पांड्या उप अधिनायक दायित्व तुलाइबे। टीम रे कोहली ईशान किशन शुभमन गिल श्रेयस अय्यर रविंद्र जडेजा शरदुल ठाकुर गेल राहुल कुलदीप यादव मोहम्मद शमी सिराज सूर्यकुमार यादव अक्षर पटेल यशप्रीत बुमराह स्थान पाइछन। ए अवसर में अजित अगरकर कहते 15 जणिया टीम घोषणा रे बहु खिलाड़ी को निया सेबड़ा अधिनायक रोहित शर्मा कहते दल रे अधिक ऑलराउंडर को नेबा को चाहूलु तेणु किसी भल खिलाड़ी को टीम रे सामिल करना विश्वकप घोषणा होता 15 जणिया तालिकार रविचंद्रन अश्विन युजवेन्द्र चहल और संजू सैमसन भली खिलाड़ी बात पड़ते। सेपटे विश्वकप भारतीय खेलाड़ी जर्सी रे ना बदल अपिल इंडिया स्थान रे भारत लिखा करागला अपिल एने बीसीसीआई संपादक जय शाह को चिठी लिखिंट पूर्वतन क्रिकेटर वीरेन्द्र सेवाग। देशर नाम 2024 पूर्व भारत होणिक इंडिया स्थान में केवल भारत लिखा जी ट्वेंटी अवसर में रात्रि भोजन पर राष्ट्रपति पक्ष दी निमंत्रण पत्र सामनाक आसवा पर यह चर्चा जोर धरी। विरोधी कहते विरोधी दलों मेंटर नाम इंडिया रखा पर डरी जाती मोदी सरकार तेणु इंडिया बदल भारत लिखा आरंभ कर संघीय व्यवस्था पर आक्रमण बोली आप सांसद संजय सिंह कहते भारत संविधान में प्रथम वाक्य लिखा अच्छी इंडिया दैट इज भारत हेले बदल संविधान उपर बड़ आक्रमण कर विरोधी मेंट को विरोध करने आल में मोदी सरकार संविधान को परिवर्तन करने को योजना करुवा संजय सिंह अभियोग करते संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में संविधान संशोधन प्रस्ताव आनीपारती मोदी सरकार सजेई होई राजधानी दिल्ली सेप्टेम्बर 9 जी ट्वेंटी बैठक आरंभ हो बैठक में विश्व में बड़ बड़ नेता जोग देते यह पूर्व राजधानी को सजा जाई प्रगति मैदान में निकट में भारत मंडप में यह बैठक बस स्थान में जी ट्वेंटी लोगो भी रखा जाई से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी ग्रहण कर जी ट्वेंटी सम्मेलन पर भारत आश्व नेता तेज विश्व नेता स्वागत करार निरा परंपरा देखा मिली आम देश में पंजाब अमृतसर जगजोत सिंह नामक गोटे जड़े कारीगर आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चित्र आंकी यार उच्चता रही है 7 फुट। भारत प्रथम सूर्यजान आज द्वितीय थर पर कक्ष परिवर्तन करछि विलंबित राति 2:45 मिनिट रे द्वितीय थर कक्षपथ परिवर्तन करछि आदित्य L1 ट्वीट करी इसरो पक्षर सूचना दिया जाइछि एते सहित इसरो कहिछि आदित्य जान ठीक भावे काम करूछि। आसंता वर्ष होगा लोकसभा निर्वाचन पूर्व मंगलवार 6 राज्यर 7 विधानसभा चलती उपनिर्वाचन मंगलवार सकाल 7 आरंभ हो वोट ग्रहण केरल पुडुपल्ली झारखंड डुमरी उत्तराखंड बागेश्वर में मतदान त्रिपुरा पश्चिमबंग उत्तरप्रदेश भी मतदान मतदान पर सेप्टेम्बर 8 तारीख में वोट गणती है। गुरुदिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षकों देशर विभिन्न अंचल संस्कृति और विविधता को निज विद्यालय में पालन करने को अनुरोध करते देशर जुव मानसिकता विकास में शिक्षकों उद्यम को से प्रशंसा कर गुरुदिवस पूर्व संध्या लोककल्याण मार्ग में 75 जन शिक्षकों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित करते प्रधानमंत्री मोदी एथस प्रधानमंत्री शिक्षकों भेटी भल शिक्षकों गुरुत्व देशर भाग्य गठन में सेना भूमिका उपर आलोचना कर आज गुरुदिवस द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जन्मदिन को गुरुदिवस रूप में पालन कर जाति गुरु को सम्मान जनवर प्रथा परंपरा अब्याहत रखी उत्तर प्रदेश मोरदाबाद में स्कूल पिलाने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को निरा श्रद्धाजलि जन गुरुदिवस अवसर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गोटे विराट काय प्रतिमूर्ति रंगोली आंकी पिलाने स्कूल परिसर में छात्र छात्री 100 फुट लंब 150 फुट उच्चतार रंगोली आंकी। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में पुलिस गुड़े दुई जन नक्सल निहत होते दुईट बंधुक सहित विपुल परिमाण विस्फोरक जबत कर नक्सल और जवान मुहांमुही सहित उभय पक्ष दुई घंटा धरी गुड़ विनिमय चलता पर नक्सल मैंने छत्रभंग ऑपरेशन में दुईज नक्सल निहत हो
आसंता 17 सेप्टेम्बर में प्रधानमंत्री 73वां जन्मदिन एथर जन्मदिन अवसर में मोदी को मिली हीरार उपहार। प्रधानमंत्री मोदी एक समर्थक तथा गुजरात सूरत एक आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल मोदी को यह बड़ उपहार देवे। एथपाई से हीरारे निर्मित मोदी प्रतिमूर्ति आंकी जो 7200 खंड हीरा खंजा जा राति पाइले जन्माष्टमी इतिबे बाजार रे जमिछि कृष्ण भक्तों भिड़। उत्तर प्रदेश लखनऊ रे याहयागंज बाजार रे जन्माष्टमी पई साजसज्जा देखिबा मिलछि। ए बाजार रे होलसेल दर रे श्रीकृष्ण समस्त जिनिस अति सुलभ मूल्य रे ग्राहकों पई रहिछि। विभिन्न प्रकार रंगीन पोशाक सहित कृष्ण वंशी खाद्यपेय रहिछि जहां खूब कम मूल्य रे ग्राहकों को दिया जाउछि। तमिलनाडु मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म विरोध में बृति देवा दिन से बीजेपी समेत समस्त हिंदू धार्मिक नेता टार्गेट रही। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया सहित तुलना करी अनेक समालोचनार शिकार होती उदयनिधि। से मंत्री उदयनिधि निज मंतव्य को नहीं अटल थी बेले मिली हत्याधमक। अयोध्यार जड़े साधु परमहंस आचार्य मुंड काटापी 10 कोटी टंकार पुरस्कार राशि घोषणा कर। दिल्लीवासियों पर बड़ उपहार, दिल्ली में गड़ा 400 इलेक्ट्रिक बस। G20 शिखर सम्मेलन पूर्व मंगलवार यार शुभारंभ हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना नुआ बसगुड़ी पताका देखा शुभारंभ कर। दिल्ली में प्रदूषण रोकवे बसगुड़ विशेष भाव में सहायक हो। उत्तर प्रदेश राज्यसभा निर्वाचन पर नामांकन दाखल करते बीजेपी नेता तथा पूर्वतन उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। नामांकन दाखल बेले सांगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। हैदराबाद और तेलंगाना में मंगलवार सकाल जारी रही प्रबल वर्षा और लगाड़ा वर्षा जो सहर विभिन्न स्थान में पा जमी रास्त पा जमी रहा गाड़ी मटर जातायात नाना असुविधार सामना करते लोकमाने।